आप सभी मित्रों का वनिका पब्लिकेशंस के फेसबुक पेज के लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका मैं सादर अभिवादन करती हूँ। हमारी जल संरक्षण का जो सीरीज चल रही है उसके तहत आज हम फिर हाजिर हैं एक नया एपिसोड लेके आप सबके बीच में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हम जो भी बातें करेंगे वो आपके लिए बहुत जरूरी होंगी। आपको उनपे जो बताया जाए सुनील जी द्वारा उस पे अमल भी करेंगे, लोगों को करवाएंगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा हमारे समाज के लिए और जल संरक्षण के क्षेत्र में। तो इसलिए छोटा सा पहले मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवा दूं, उनका छोटा छोटा सा परिचय आपको संक्षिप्त दे दूं। तो सबसे पहले स्वागत है सुनील चतुर्वेदी जी का हमारे इस कार्यक्रम में, और उनसे साक्षात्कार लेंगे हमारे स्वतंत्र मिश्र जी, पत्रकार हैं वो और आप लोग उनसे वाकिफ हैं, पहले भी आप उनको कई बार इस मंच पे सुन चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का छोटा छोटा सा परिचय दे देती हूँ। सुनील चतुर्वेदी जी सेवी हैं और हाइड्रोलॉजिस्ट हैं। ये पूरे समर्पित भाव से वो जल संरक्षण के क्षेत्र में पिछले 35 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और साथ में ही विभावरी नामक एनजीओ के डायरेक्टर के रूप में। ये भाव विभावरी, हाँ वही बोला। जल संरक्षण के कार्य में इन्होंने राज्यों के साथ मिलकर काफी काम किया है। इस क्षेत्र में ये एक स्पोक्स एक्सपर्ट यानी स्पोक्स पर्सन की तरह से भी रोल अदा करते हैं। एक इनकी पुस्तक है पानी दे गुड़धानी दे, इसके लिए उन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जिसका मेदिनी पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अतिरिक्त भी आपने बहुत सारी कई अनेक किताबें लिखी हैं जल एवं कृषि को लेकर। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया है, और देवास नाम की जो जगह है वहां पे आपने ये कोशिश की है कि हर घर में ये रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अपनाया जाए। आपकी अगर हम इसकी बात करें आपकी शिक्षा की, तो आपने एमएससी सोशियोलॉजी में और पीएचडी जियोलॉजी में की है, और अपनी उसी पीएचडी के हिसाब से ही आप अपने इस कार्य क्षेत्र में पूर्णतया आप इसमें समर्पित हैं। स्वतंत्र जी का तो आप लोग सब जानते ही हैं। स्वतंत्र जी को आप पहले भी कई बार मिल चुके हैं, तो स्वतंत्र जी का भी मैं आपको छोटा सा परिचय दे देती हूँ। स्वतंत्र जी न्यूज 18 hindi.com में आपको पता ही है कि एडिटर हैं वहां पर वो, और काफी उन्होंने कई सारे पत्र पत्रिकाओं में एडिटिंग का भी काम किया है, थोड़ा उन्होंने इसका भी काम किया है, शिक्षण का भी काम किया है उन्होंने, और इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं जिसमें भरा पूरा अकाल एक किताब है, जल जंगल जमीन उलट पुलट पर्यावरण, ये भी इनकी एक पुस्तक है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने एक उनकी इस पे भी है, नॉटनल पे भी उनकी एक पुस्तक उपलब्ध है। मेरे ख्याल से शिक्षा भरा पूरा अकाल ही उनकी शायद इस पे उपलब्ध है, नहीं ग्रह जल गहरा जल उथला समाज, जी, उलट पुलट पर्यावरण। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको परिचय दे रही हूँ, आप परिचित हो ही गए होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे तो जल के ऊपर, जल संरक्षण के ऊपर, तो हम जानते हैं कि सजीव प्राणियों के लिए वायु जितनी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जल का नंबर आता है, और जल की इतनी महत्ता है कि प्रकृति प्रदत्त वरदानों में से ये एक है हमारे लिए। और हम सबने, आप सबने ही सुना ही होगा दो पंक्तियां हम सुनते आए हैं, हम लोग क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना सरीरा। तो मानव शरीर के निर्माण में सबसे अधिक योगदान जो है वो पानी का होता है, लगभग 70% पानी होता है, और एक तरह से ये जीवन का पर्याय है, जल जो है वो जीवन का पर्याय है हमारे शरीर के। जल की मात्रा कम हो जाती है तो हम जानते हैं कि शरीर अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो केवल मनुष्य ही नहीं, ये सजीव, हर सजीव प्राणी जो कि पशु पक्षी या वनस्पति ही क्यों ना हो, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से वो प्रकृति से जल ग्रहण करता है।
इसके अलावा हमारी धरती पे जो हरियाली है उसका कारण भी जल ही है। आप जानते हैं कि वृक्षों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिससे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं, जिससे कि ये इनका वायु जो है हमारे लिए जरूरी है, इनका संतुलन बना रहता है, चक्र बना रहता है। इसके अतिरिक्त हमने इतिहास में पढ़ा भी है, जाना भी है कि मानव की उत्पत्ति हुई है जब से, तब से जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो ज्यादातर नदी के किनारे हुआ है। तो इसके पीछे भी जल की उपलब्धता और आवश्यकता ही महत्वपूर्ण कारण रहा है। हम जानते हैं जैसे पृथ्वी में 72% जो है वो जल भाग है, लेकिन इसके बावजूद भी पीने लायक जल जो है वह केवल 3% है। इस 3% भूजल का भंडार भी हम लोगों के अंधाधुंध दोहन के कारण खत्म होने के कगार पे है। वैसे तो बहुत पानी मिलता है, बारिश से हमें बहुत जल प्राप्त होता है, लेकिन जब इसका उचित प्रबंधन नहीं होता तो ये सारा जल समुद्र में बह के समाहित हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जल की वैसे कमी नहीं है, लेकिन उचित प्रबंधन की कमी है। तो इसी को इंगित करता है हमारा आज का विषय, पानी से लबालब देश में पेयजल का संकट। तो भूजल से जुड़े बहुत से भयावह आंकड़े हैं, लेकिन उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगी। मैं सुनील जी से बताना चाहती हूँ कि आपके कई सारे वक्तव्य सुने हैं मैंने, उसमें आपने एक जगह कहीं बताया है कि चाणक्य के समय में भी पानी का सही प्रबंधन करने वालों को छूट मिलती थी, कई तरह की छूट मिलती थी, और अगर वो कोई पानी का नुकसान करते थे या जैसे तालाब वगैरह बनाए जाते थे ठीक से उनमें व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते थे या झगड़ा वगैरह करते थे तो उनको दंड का भी प्रावधान था। तो इस तरह से एक और मैंने आपका व्याख्यान सुना था, उसमें आपने अनेक प्रदेशों में अलग अलग नामों से प्रचलित जो हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक जल प्रबंधन की जो व्यवस्था थी, योजना थी, उस पर आपने बहुत विस्तृत व्याख्यान दिया है। हर प्रदेश में अलग अलग नामों से ये व्यवस्था है, तो जो कि अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आपका कहना है कि हमारी जो पारंपरिक जल प्रबंधन की पद्धतियां पूर्णतः वैज्ञानिक है, तो उन्हें अपनाया जाना चाहिए। हम ये सोच लेते हैं कि पारंपरिक चीजें हैं ये, तो इनमें विज्ञान कहाँ है, लेकिन वो वैज्ञानिक है पूरी तरह से, क्योंकि उस समय के लोग इस तरह की प्रबंधन को लेकर चलते थे, तो कभी इतना पानी का संकट गहराया नहीं उस समय। तो इस तरह यदि जल का प्रबंधन सही समय रहते अगर किया जाए तो अगर नहीं किया गया तो प्राणी जगत के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। तो इसीलिए इस विषय को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए आज हमने इस पे चर्चा रखी है। तो मैं आप दोनों का स्वागत भी करती हूँ, और अब मैं आदरणीय स्वतंत्र जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस विषय के ऊपर आगे की चर्चा जारी रखें। मैं आपको फिर बाद में ज्वाइन करती हूँ। हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है स्वतंत्र जी? हाँ हाँ, अब आप भी आ गए। नमस्ते। आपके परिचय में बताया गया कि 35 साल से आप इस काम में हैं जी। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 35 साल पहले जो जल के क्षेत्र में काम करने का जो एक बीज पड़ा आपके अंदर, वो कैसे पड़ा, इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा नीरज जी ने अभी मेरे परिचय में कहा उसमें एक चीज दुरुस्त करना चाहता हूँ कि बेसिकली मैं MSc जियोलॉजी और देन फिर मैंने हाइड्रोजियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया। तो आप समझ सकते हैं कि मुझमें जो बीच की शुरुआत अगर आप कहेंगे तो चूंकि मेरा विषय ही हाइड्रोजियोलॉजी था और पानी के बारे में मुझे पढ़ना था, और उस तब मुझमें इतनी गंभीरता नहीं थी, ये बात मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि जब हम उसको पढ़ रहे थे। लेकिन जब मैं काम के सिलसिले में गांव तक पहुंचा और अपने काम के लिए लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई, मिलना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि जिस तरह से पानी का उपयोग हो रहा है और जिस तरीके से सारी पारिस्थितिकी है हमारी और जिस तरीके से हम दोहन कर रहे हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि अब देखिए कि किस समय हम क्या निर्णय लेते हैं उसका क्या इम्पैक्ट दूर तक होता है। यानी कि राजगढ़ जिले में 86 में टेक्नोलॉजी मिशन शुरू हुआ और नारू रोग को रोकने के लिए एक नारा दिया गया कि कुएं बावड़ियों का छोड़ो साथ, हैंडपंप का थामो हाथ। यानी कि जो कम्युनिटी सरफेस वाटर पे, सब सरफेस वाटर पे डिपेंड थी, आपने उसको एक
सरकारी नारे के साथ उसको ये बताने की कोशिश की कि ये बावड़ी और कुएं हमारे काम के नहीं है, जस्ट अब आप ग्राउंड वाटर पे शिफ्ट हो जाइए। और उस समय सारी बावड़ियों की सीढ़ियां और कुएं की सीढ़ियां तोड़ी गई ताकि लोग अंदर नहीं जा सके, वो एक बीमारी से बचने के लिए उसका एक हल खोजा गया था, तो वो तात्कालिक हल था। लेकिन वो एक गूंज होना शुरू हो गई थी कि हम ग्राउंड वाटर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और उसके पहले से हमने शिफ्ट होना शुरू कर दिया था। तब मुझे एक हाइड्रोजियोलॉजी के स्टूडेंट के तौर पर लगा कि आने वाले समय में यदि हमारी डिपेंडेंसी ग्राउंड वाटर पर इसी तरह बढ़ेगी तो हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी खतरे की ओर बढ़ेंगे। और देखते ही देखते 5 या 6 साल में 90 के दशक के आसपास बड़ी तेजी से जल संकट की गूंज मालवा जैसे क्षेत्र में भी सुनाई देने लगी, जहां तो कहा जाता था कि डग डग रोटी पक पक नीर मालव माटी गहन गंभीर, वहां पर जल संकट की आवाजें आने लगी और जल संकट दिखाई देने लगा। तो निश्चित रूप से लगा कि एक आने वाले समय के लिए भयावह मंजर होगा और हमें इसके लिए कुछ काम करना चाहिए, और फिर हमने काम शुरू की। आपने एक गंभीर बात बताई कि कुएं और बावड़ी तोड़े गए, ये बताएगा कि हैंडपंप का पानी हमारे लिए ठीक है। अब हैंडपंप से फिर शिफ्ट हुआ वो आरओ वाटर तक का और बॉटल वाटर का, इससे हमारा जो सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर ऑलमोस्ट खत्म होने को है और ग्राउंड वाटर की भी स्थिति बहुत खराब हो चली है, इस पर आप थोड़ा बहुत बताइए कि किस तरह से। देखिए इसमें थोड़ा सा तकनीकी रूप से हम समझने की कोशिश करें तो पानी के बारे में पहले थोड़ा सा हम पानी को समझें, पानी को जानें, पानी को लेकर हमारी दृष्टि विकसित करें। हम सुबह से देर रात तक पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन जो मैंने कई लोगों से बात करता हूं तो हम कभी जिस चीज के बहुत संपर्क में होते हैं उसके बारे में हम सोचना ही बंद कर देते हैं और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि अवेलेबल है, हवा के बारे में नहीं सोचते, पानी के बारे में नहीं सोचते, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। असल में पानी हमें मिलता है, जो भी हमारे पास सोर्स है वो बारिश ही पानी का सोर्स है। वही पानी जमीन पर आता है, उसमें से कुछ जमीन में बह के नदी नालों में जाता है और उसी में से कुछ पानी रिस के चट्टानों में से होता हुआ जमीन के अंदर जाके संग्रहित हो जाता है जो भूजल कहलाता है। तो जब क्वालिटी की आप बात करेंगे कि जब हमने आप देखें कि जब अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई, यानी कि 70 के दशक के आसपास जब तेजी से शहरीकरण होने लगा और लोग गांव से शहर में आने लगे और शहर अपना विस्तार लेने लगा, तो आप देखें कि हर शहर में ट्रेडिशनली, मैं परंपरागत पर इसलिए जोर देता हूं स्वतंत्र जी, कि ये हाइड्रोजियोलॉजी जो विज्ञान है ये एग्जिस्टेंस में आया है 19वीं शताब्दी में। और ये समाज पानी का काम कब से कर रहा है, जब से हमारी सभ्यता का विकास हुआ है। आपको सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके प्रमाण मिल जाएंगे, आपको मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हर घरों में कुएं मिल जाएंगे। और अगर आप ये देखें कि हमारे जो नीरज जी ने कहा था कि कौटिल्य के समय की बात अगर हम करेंगे, तो कितना कौटिल्य की जो नीति को अगर आप पढ़ेंगे, और हम अभी तक अपनी वाटर पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन कौटिल्य ये कहता है कि उसने कहा कि कुएं बावड़ी को प्रदूषित करना, जो आपने क्वालिटी की बात की है, उन्हें नुकसान पहुंचाना और उन्हें प्रदूषित करना हिंसा के समान है, और जो दंड हिंसा के लिए है मृत्यु का, वही दंड उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो इन जल संरचनाओं को नुकसान पहुंचाएगा या इन जल संरचनाओं को प्रदूषित करेगा। तो एक व्यवस्था कब डेवलप हुई इस समाज में, तो ये पानी समाज की जरूरत थी और पानी और समाज के बीच में गहरा रिश्ता था, एक तार था, एक तारतम्य था और एक लयबद्धता थी, वो टूटी है हमारे विकास के इस मॉडल में। ये जो भी हमने विकास का मॉडल डेवलप किया, और एक दौर आया जिसमें जब मैं भी स्टूडेंट था और हमें 70 के दशक में लगता था कि जो पाश्चात्य से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, वही साइंस है और हमारे यहाँ जो भी कुछ है वो सब बेकार है, तो हमने बहुत सारी अपनी संरचनाओं को भी भुला दिया, उस सिस्टम को भुला दिया जो सिस्टम था। और एक बात और मैं आपको बताऊं स्वतंत्र जी की, पुरानी मैंने, चूंकि मेरा PhD ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स को लेकर है, उसके साइंटिफिक अप्रोच को लेकर के है, तो मैंने ये देखा कि वो जो संरचनाएं थी वो केवल जल की संरचनाएं नहीं थी, बल्कि उसमें प्रबंधन का भी इनपुट था और एक सामाजिकता थी। एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं कि एक अगर तालाब है,
एक तालाब अगर 100 एकड़ का बना हुआ है तो केवल एक व्यक्ति के उपयोग के लिए नहीं था उस समय में समाज में, वो उस समाज में वो लोग जो तालाब नहीं बना सकते थे, जो जल संग्रहित नहीं कर सकते थे, जिनकी छोटी जोत थी, वो उनके लिए भी काम आता था। यानी कि उस तरह से पानी का प्रबंधन किया जाता था कि सबके खेतों में सिंचाई एक पलेवा हो जाए और उसके बाद सब लोग फसल ले सकें अपने अपने खेतों में। तो ये जो एक सामाजिकता का पूरा सिस्टम उनमें डेवलप किया गया था, और किसी व्यक्ति के लिए वो नहीं थी बल्कि समाज उसके केंद्र में था, व्यक्ति केंद्र में नहीं था। तो वो जब संरचनाएं खत्म हुई, उससे हम बाहर आए, और फिर जो डेवलपमेंट का मॉडल है, आप सोच सकते हैं कि मैं मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ 48 जिलों में नाइट्रेट की अधिकता है, आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट लगातार ग्राउंड वाटर के एक्सप्लोइटेशन के कारण वाटर क्वालिटी खराब होती जा रही है। ये तत्व बढ़ते जा रहे हैं जिससे तमाम बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। पानी का स्वतंत्र हम ध्यान रखें, अगर समझें तो पानी बहुत साइलेंट किलर है। पानी बहुत सारी हत्याएं करता है लेकिन कभी भी उसके सिर पर कोई अपराध साबित नहीं होता। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि काय से डेथ हुई, तो कोई जॉइंटिस से मरेगा, कोई कैंसर से मरेगा, कोई टाइफाइड से मरेगा, या कोई किसी और। लेकिन अगर आप रूट कॉज में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उस पानी का रोल उस बीमारी, जबकि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 80-90% बीमारियां वाटर बोर्न डिसीज है, तो अगर हमारी पानी की क्वालिटी खराब हो जाएगी तो ये सब तो हमारा जो, जिसको मैं कहता हूँ कि ये इफेक्ट है, जो परिणाम है ये तो आना ही है और ये आ रहा है। और जहां तक आपने आरओ की और इस सब की बात की, तो आरओ को कैसे रिकमेंड किया जा सकता है जिसमें लगभग हमारा 3 हिस्सा पानी खराब होता है। यानी कि अगर आपको 25 लीटर पानी चाहिए तो 75 लीटर पानी खराब हो जाएगा आरओ, जो बाहर उसका हार्डनेस से बाहर हो जाएगा। तो जल संकट, एक तरफ तो हम जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं, दूसरी तरफ हम आरओ को यूज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, सरकार अपनी पॉलिसी में उसको प्रमोट कर रही है। और आप मैंने जो चाणक्य की बात की थी और जिस संदर्भ को, क्योंकि बात की शुरुआत की थी कि चाणक्य की हमारी पॉलिसी, चाणक्य की नीति थी कि पानी को, और जो लोग जल संरचनाएं बनाएंगे उनको कर में छूट दी जाती थी, ये उस समय बहुत बड़ी ऐसी पॉलिसी ड्राफ्ट नहीं हुई जैसे हमारे यहाँ इतने पन्नों की पॉलिसी ड्राफ्ट है वाटर पॉलिसी, और जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। और मजेदार बात यह है कि आजादी के इतने साल बाद सन 1987 में हमें लगा कि हमें वाटर पॉलिसी बनाना चाहिए। फिर हमने 2002 में उसको रिव्यू किया और 2012 में रिव्यू किया। आप मुझे बताइए कितने लोग इस बात को जानते हैं कि उस वाटर पॉलिसी में क्या है। हर साल हम बजट का समराइज करके मीडिया भी जारी करता है, क्या किसी मीडिया ने, क्या किसी सरकार ने हमारी जल नीति को समराइज करके लोगों के सामने पेश किया है कि आखिर है क्या, रेगुलेशन क्या है, क्या एक्ट है, और कैसे हमें अपनी पानी का प्रबंधन करना है। तो ये सब कुछ गड़बड़ियां आज से नहीं, पिछले समय से चली आ रही हैं। और पानी को लेकर चूंकि हमने अपनी कोई दृष्टि विकसित नहीं की है, प्रॉब्लम ये है कि चुनिंदा लोग उन्हें देश भर में उनकी पानी को लेकर अपनी दृष्टि विकसित की और वो लोग अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन समाज की दृष्टि पानी को लेकर जिसकी आवश्यकता है विकसित करने की और अपनी परंपराओं के साथ लौटने की, उन परंपराओं के अंदर क्या है उसको समझने की और पानी और समाज के अंतर संबंध को महसूस करने की, अगर ये हो जाएगा तो ये समस्या धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। सुनील जी, मैं देखता हूँ, अपने गांव जाता हूँ तो अब तो चीजें बदल रही हैं। अब वहाँ जो है हैंडपंप के बाद अब सबमर्सिबल भी लगने लगे हैं, जहाँ 10 फीट पर पानी मिल जाता था अब 100-150 फीट पर पानी मिलने लगा। पहले क्या करते थे, कुएं में जो पार्ट होता था उसका जिसमें नहाते धोते थे, उसके साथ एक नाला होता था जो बाड़ी में, जो बगीचा होता था, आंगन होता था, उसमें गड्ढे में जाकर मिलता था, उस पानी से हम पटवन करते थे, छोटा मोटी जो सब्जी साग सब्जी लगाते थे उसको सींचने का काम करते थे। सेकेंडरी वाटर मतलब पहला तो आपने नहाया धोया तो उसका इस्तेमाल किया और फिर वो पानी उस काम में आया। पर आज जो शहरों की व्यवस्था है वो पानी तो वेस्ट चला जाता है, जो आपने नहाया धोया इस पानी का तो हम गमले में या कहीं इस्तेमाल कर नहीं पाते। तो मैं कह रहा हूँ कि आप परंपरागत जल उस पर जो काम किए हैं, तो आज हमारे शहरों में
और गाँव में, दोनों जगह किस किस तरह की परंपरा फिजिबल है, काम कर सकती है और उसको शुरू करना चाहिए? देखिए सुतन जी, बहुत पहली बात तो जैसा कि आपका इस पूरी सीरीज का जो थीम है कि जल की कमी नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक बात आप कह रहे हैं कि जल की कमी नहीं है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम इस बात को समझें कि अगर हमारे पास इतनी रेंज, चाहे रेंज के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है कि उसका पैटर्न में चेंज हुआ है रेंज के, लेकिन एवरेज रेनफॉल की अगर हम बात करें तो वो लगभग हमारा कोई बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। अगर हम मोटे तौर पर देखें कि हमारे देश का अगर एवरेज रेनफॉल 1000 mm है, तो आप ये मानिए कि 1 हेक्टेयर जमीन पर लगभग 1 करोड़ लीटर पानी हर साल गिरता है, और ये पानी इतना ज्यादा है कि उतनी हमारी जरूरत नहीं है 1 हेक्टेयर में। आप अगर 2000 स्क्वायर फीट की छत है, आपका मकान है, तो 2 लाख लीटर पानी हर साल आपकी छत से बह के बाहर चला जाता है, उस छत पर आता है 2 लाख लीटर पानी, जो 4 लोगों का एक परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, तो इजीली उसको मेंटेन करने के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत साफ है कि पानी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास प्रबंधन नहीं है। जो आप बात कह रहे हो, जिस पुरानी बात को लेके आपने कहा कि कुएं पे नहाते थे और वही पानी एक नाली के द्वारा सिंचाई की ओर जाता, ये प्रबंधन है, ये वाटर कंजर्वेशन नहीं है। सरकार बहुत देर बाद वाटर कंजर्वेशन से वाटर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पर आई है और लोगों ने भी उस तरफ सोचना शुरू किया। शुरुआती दौर में यही था कि वाटर कंजर्वेशन करना है, वाटर कंजर्व करना है, वाटर कंजर्व करना है, बट व्हाट अबाउट मैनेजमेंट, प्रबंधन का क्या? तो जैसा मैंने कहा कि हमारी परंपरागत उसमें पूरे प्रबंधन की बात, मैं ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन पे लंबी बात नहीं करूंगा कि वो अपने आप में एक बड़ा विषय है। मैं केवल एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे मान लीजिए मालवा में, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, यहाँ पर एक परंपरागत स्ट्रक्चर था, ओढ़ी स्ट्रक्चर, जो जिसको आप टेक्निकल भाषा में स्टीम साइड वॉल कह सकते हैं, और ये जो नाला बहता था, उस नाले के किनारे पर किसान अपनी जमीन में एक नाले के किनारे से लगकर एक गहरा कुआ बनाता था जो 12 फीट 14 फीट गहरा होता था। ये लाइन से जो किसान उस नाले के किनारे हैं, वो सब लोग ओढ़ी बनाते थे, इसको ओढ़ी बोलते थे, है ना, हरियाणा में इसको आबी बोलते थे। तो लगभग जहां का क्लाइमेटिक जोन एक जैसा है, जहां एक जैसी फसलें हैं, वहां पे ये एक जैसी संरचना है, नाम उनके बदल जाते हैं। तो ओढ़ी स्ट्रक्चर जो बनता था, अब इस ओढ़ी स्ट्रक्चर का अगर आप साइंटिफिकली स्टडी करें, अभी जो पानी को जो नाले में बह रहा है, जो रन ऑफ है, जो पानी बह के नाले से जा रहा है, वो सीधा नाले से बाहर निकल जा रहा है, लेकिन हर उस नाले के किनारे पर दोनों तरफ अगर लाइन से उस तरह के कुएं बने हुए हैं, तो वो जो पानी है वो उस ओढ़ी के अंदर जो गड्ढे बने हुए थे, 10-10 फीट के कुएं, 15-15 फीट के, वो पानी पहले सतह से उसको भरता था, यानी कि जो उस नाले की जल भंडारण क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाती थी, गांव से पानी बहकर बाहर कम जा पाता था, नाले से बाहर कम जा पाता था, जिसको हम कहते हैं कि रन ऑफ। अगर हमें वाटर कंजर्व करना है तो साइंटिफिकली हम कहते हैं कि पहले चेक द वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले चेक करो। अरे ये ओढ़ी वेलोसिटी तो चेक कर रही थी, देन स्टोर द वाटर, फिर उसको वाटर का स्टोरेज करो। अरे तो भैया ये कुएं स्टोर ही तो कर रहे थे, देन परकोलेट, ग्राउंड वाटर बैलेंस करने के लिए, तो ऑटोमेटिक वहां से कुछ चीज परकोलेट हो रहा है, कुछ उसके काम आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी, और ये साइंटिफिकली मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि जहाँ का जियोलॉजी रिकमेंड करता है, हमने देश भर में अगर हम देखेंगे तो वहीं पर ये संरचनाएं हमें मिलेंगी। कि वो लोग क्या जियोलॉजी जानते थे? क्या वो जानते थे कि परवेस लहर है, इम्परवेस लहर है? लेकिन उनके अनुभव ने उनको ये बताया था। छोटा सा एग्जाम्पल, जब मैं गाँव वालों से बात करता हूँ तो हम तकनीकी भाषा में बात करते हैं परवेस लहर, इम्परवेस लहर, सामने वाला घबरा जाता है, यार ये बाप रे पता नहीं क्या लहर है। लेकिन गांव वाला बहुत सहज कहता है कि इसमें से पानी रिस जाता है, इसमें से पानी नहीं रिसता। तो ये उसकी अपनी भाषा है, उसकी अपनी समझ है, तो उस समझ को साथ लेकर उसने संरचनाएं निर्मित की थी, और ये पूरी की पूरी साइंटिफिक थी, एक मैनेजमेंट था। और जिसकी बात आप कर रहे हैं कि अब जो जल जीवन अभियान सरकार लेके आई है और जल शक्ति अभियान लाई है, उसमें इस चीज को इनकॉर्पोरेट किया गया है, क्योंकि अगर आपको जो वाटर सोर्स है उसको लंबे समय तक सस्टेनेबल बनाना है, तो आपको एक टर्म होती है वाइस वाटर मैनेजमेंट, कि आप कितना विवेकपूर्ण तरीके से उसका प्रबंधन करते हैं। तो विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधन में कंजर्वेशन भी आ जाएगा, रीयूज भी आ जाएगा,
वाटर का मिसयूज भी रोकना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, यानी कि वो तमाम काम जो पानी को बढ़ाने के लिए हो सकते हैं सिर्फ कंजर्वेशन में, वो सारे काम किए जाएंगे। तो ये रीयूज वाटर का, ये रीयूज होना पहले हमारे यहाँ अपने आप हो सकता था, होता था। आपने देखा होगा कि पहले जो घर थे गांव में, 90 के दशक में जब, अब तो गांव में पक्के घर बन रहे हैं और पीछे के आंगन खत्म हो रहे हैं गांव में, तो अक्सर वहां ही होता था कि बर्तन धोना, नहाना, कपड़े धोना, इसके लिए एक बड़ा सा पत्थर रखा होता था और घर के लोग उसी पर नहाते थे, उसी में कपड़े धोते थे और वही बर्तन साफ किए जाते थे। और उस वो पानी जो नाली से निकलता था उसके किनारे पौधे लगा दिए जाते, पेड़ लगा दिए जाते थे, फलदार वृक्ष लगा दिए जाते, तो ऑटोमेटिक वो पानी उसमें जाता रहता था। और ये उनका अपना रीयूज करने का एक इंडिविजुअल तरीका था, और ये हाउस होल्ड के लेवल पर था, न कि कोई पूरे गांव के लेवल पर कोई बड़ा सा टैंक बनाया जाएगा, उसमें पानी इकट्ठा किया जाएगा, टैंक करेंगे। और कई लोग अपने खेतों में भी पीछे घर के बाहर पीछे ही जिनके खेत होते थे वो उसमें उस पानी को यूज कर लेते थे। तो ये उनके अपने तरीके थे। मालवा में एक साल का गट्टा कहते थे उसको, गट्टा महाराष्ट्र में भी कहते हैं जहां पानी इकट्ठा करते हैं उस गड्ढे को गट्टा कहते हैं। तो मालवा में ये था कि धान पैदा नहीं होता है, धान पैदा नहीं होता, ये कपास का बेल्ट था, ये तुअर का बेल्ट था, ये गेहूं का बेल्ट था, धान नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे कि छत पे पनाल लगा के जो पानी नीचे गिरता था उसको अपने घर के पास ही जो खाली जमीन पड़ी है उसमें एक गड्ढा बना के इकट्ठा करते थे और उसी में धान का बीज डाल देते, तो वो धान उतना पैदा हो जाता था। तो ये मैनेजमेंट था उनका उस पानी को बहने देने की बजाय, जो उनके छत पे से निकलेगा, पनाल के थ्रू बाहर जाएगा और गांव की नालियों में बहेगा, उसके बजाय वो अपने ही करके उसका प्रोडक्टिव यूज कर लेते थे। तो ये मैनेजमेंट हमारे यहाँ था। और ये वाटर, ग्रे वाटर इसको कहते हैं, रीयूज के बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक थोड़ी सी तकनीकी जानकारी दे दूं हमारे सभी साथियों को कि बेसिकली ये पानी के बारे में हम बात करें तो हम इसको 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं। एक है ब्लू वाटर, जिसको हम अपने डोमेस्टिक यूज में लेते हैं, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, इवन हम नहाना धोना सारा काम जो भी घर के रोजमर्रा के काम है वो हम उस पानी से करते हैं, जो हम या तो ट्यूबवेल से लेते हैं या शहरों में वाटर सप्लाई के थ्रू मिलता है, इट इज ब्लू वाटर। जब हम उसका उपयोग नहाने धोने में करते हैं, जब उसका उपयोग हम बर्तन धोने में करते हैं, जब उसका उपयोग हम हमारे खाना बनाते समय दाल धोने, सब्जी धोने और इन सब कामों में करते हैं, तो वो पानी में कुछ इम्प्योरिटीज एड ऑन हो जाती हैं, जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज भी होती हैं, फिजिकल इम्प्योरिटीज भी होती हैं, केमिकल इम्प्योरिटीज भी होती हैं, तो दैट इज ग्रे वाटर। और जब हम टॉयलेट में फ्लश करते हैं तो वो पानी, ब्लू वाटर हमारा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप चैनल देखिए, ब्लू वाटर को हम ग्रे में कन्वर्ट करते हैं और ब्लू वाटर को ही हम ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं। शहरी क्षेत्रों में आप देखें तो एक बार फ्लश चलाने पे 7 लीटर पानी, आप 8 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं, यानी कि ब्लू को, यानी कि आप अगर ये बनाएंगे कि आप कितना पानी यूज करते हैं दिन भर में, अगर एक आदमी ये सोचे तो पीने, खाना बनाने और सब कामों के लिए उसका बमुश्किल 10 से 12 लीटर पानी खर्च होता है। बड़ा खर्चा पानी का है नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, वो करीबन 80 से 85 लीटर पानी उसका ग्रे वाटर वो वेस्ट कर देता है, और लगभग 30 से 40 लीटर पानी वो टॉयलेट में फ्लश कर देता है दिन भर में। तो यदि हम ब्लू वाटर को ग्रे में कन्वर्ट करें, ग्रे वाटर का रीयूज करें, और यदि ग्रे वाटर को ही हम फ्लश में ऐसा सिस्टम डेवलप करें, ये ग्रे वाटर ही हमारा फ्लश में के लिए यूज करें, तो यानी कि हम ब्लू को ग्रे में कन्वर्ट करें और ग्रे को ब्लैक में करें, तो एक तरीके से ब्लू वाटर को बचाने की ही बात होगी, कंजर्वेशन की बात होगी, मैनेजमेंट की बात होगी, और हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारे कामों के लिए ब्लू वाटर पे नहीं रह जाएगी, तो ऑटोमेटिक हमारा बचेगा। यानी कि पानी की बचत करना भी पानी का संरक्षण करना है, प्रबंधन है। तो ऐसे बहुत सारी तकनीकें हैं, कभी उस पे अलग से बात हो सकती है। एक टॉक अभी था, अलायंस ऑफ रिवर्स नामक ग्रुप ने किया था, तो उन्होंने केवल इसी पर फोकस किया था कि हम वेस्ट वाटर को कैसे मैनेज करें, तो ये हो सकता है और हमारे यहाँ ट्रेडिशनली था। सुनील जी, अभी एक नारा चल रहा है, हर घर नल की जो बात चल रही है, हर घर में नल से पानी पहुंचाने की बात हो रही है। ये अच्छी बात है कि हर घर को पानी मिले। अभी भी बहुत सारे छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में और बहुत
सारे राज्यों में, ऑलमोस्ट सभी राज्यों में, बहुत सारे घरों में पानी पीने का नहीं, वो दूर दूर से पानी लेकर आते, पर ये जो पानी नल में आएगा ये ग्राउंड वाटर होगा या नदियों से करेंगे, कैसे करेंगे इसको? मतलब ये बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, और जल जीवन मिशन के नाम से जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि सन 2024 तक देश के 18 करोड़ ग्रामीण परिवार के घर तक नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। उसमें एक बड़ी अच्छा वर्ड यूज किया है स्वतंत्र जी, जो अपने आप में एक चैलेंज खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि क्रियाशील नल कनेक्शन, घरेलू नल कनेक्शन, क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन, ये उसका है। अब क्रियाशील का मतलब है कि सरकार की मंशा बहुत साफ है, योजनाकारों की मंशा बहुत साफ है कि ऐसा न हो कि आज आपने नल जल योजना शुरू की और कल पानी नहीं होने से वो योजना बंद हो जाए। तो उनका है कि दीर्घ काल तक पर्याप्त मात्रा में पानी, यानी कि एक व्यक्ति पर कम से कम 55 लीटर पानी हम हर घर को दे सकें। यदि एक घर में 4 लोग हैं तो 220 लीटर पानी उस घर में पहुंचे, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो दीर्घ काल तक पानी, पर्याप्त पानी और गुणवत्ता पूर्ण पानी, यानी कि पानी पॉल्यूट भी नहीं होना चाहिए। तो योजना बहुत ही सुंदर है अगर आप योजना के एंगल से देखें। दूसरा इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो आपने पूछा कि पानी कहाँ से आएगा, चूंकि रीजनल लेवल पर काम होगा, गांव के स्तर पर काम होगा, तो ऑलरेडी गांव में बहुत सारे, निश्चित रूप से अगर हम गांव की बात करें और नीति आयोग का डाटा देखें और स्टडीज को देखें, तो 85% ग्रामीण जल प्रदाय भूगर्भ पर, भूजल पर जो है निर्भर है, और शहरों में लगभग 50% जल की आपूर्ति के लिए निर्भरता ग्राउंड वाटर पर है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो 85% हम पूरी तरह से भूजल पर ही आश्रित हैं। तो बट नेचुरली कि बड़ा काम जो होगा वो होगा ट्यूबवेल के जरिए। तो दो तरह की योजना उसमें बनाई जाएगी, एक तो ये है कि अगर गांव में ही सोर्स है तो उसके साथ जो योजना बनेगी वो योजना सिर्फ नल जल पहुंचाने की नहीं होगी, वो योजना नल के अलावा उस सोर्स को जिंदा रखने के लिए जल प्रबंधन के क्या कार्य करने होंगे वो भी उसमें शामिल किया गया है। एक अच्छी बात उसमें शामिल की गई है कि ग्रे वाटर रीयूज की भी बात की गई है, जो घरों से पानी, गंदा पानी निकल रहा है उसका भी प्रबंधन करना है। तो कुल मिला के उस योजना में ये उसको फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की गई है कि एक गांव अपने आप में पानी को लेकर सुरक्षित हो, सस्टेनेबल हो और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो। तो योजना महत्वाकांक्षी है। दूसरा, जिन गाँव में सोर्स नहीं है, और यदि एक गाँव में बहुत दूर सोर्स मिला है और पर्याप्त पानी है, तो 3-4-5 गांव को उस सोर्स से लिंक करके सरकार गांव तक उसको पहुंचाएगी और गांव में फिर वो उसका होगा, और ये पूरा के पूरा समुदाय आधारित इसका संचालन है, समुदाय आधारित इसका प्रबंधन है, समुदाय आधारित ही इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। तो योजना बहुत महत्वाकांक्षी है और योजनाकारों ने इसको फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर जाकर ये कितनी कारगर होती है ये तो आने वाला समय तय। हम जैसे ही गर्मी शुरू होती है और पानी की किल्लत शुरू हो जाती है और हम हर साल चिल्लाना शुरू करते हैं पानी की किल्लत, और ये फिर जब बारिश गिरना शुरू हो जाता है फिर हम भूल जाते हैं, तो ऐसे में हम पानी कैसे अपना संग्रहित करें, कैसे अपने को सेंसिटाइज करें कि हम अपने पानी, मतलब अगर हम पानी ले रहे हैं प्रकृति से तो इसको कैसे संरक्षित करें, कैसे इसको प्रबंधित करें, इस बारे में आपकी एक किताब भी है काली चाट में, मतलब वो चट्टान वाली जमीन है जिस इलाके में आपका काम भी है सतवास, तो उस इलाके में भी पानी आपने बोरिया बांध और वो करके कुछ अपने टेक्निक डेवलप किया तो पानी का लेवल ऊपर आ रहा है, उसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाह रहे हैं। देखिए, जो आपने एक बात कही कि पानी के मामले में नहीं, किसी भी मामले में हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, यानी कि आप देखिए कि अप्रैल में कोरोना को लेकर और बाहर निकलने को लेकर और सारे प्रिकॉशंस को लेकर हमारे अंदर एक अजीब सा भय था, है ना, और ऐसा लगता था उस समय जब बातें होती थी कि अब तो शायद 2-4 साल
कुछ भी चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी या हम साल भर घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। लेकिन आप देखें धीरे 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 5-6 महीने में हम, और अभी नीरज जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि वो जो पेशेंट आ रहे हैं अब मास्क लगा के भी नहीं आ रहे हैं, खोल दे रहे हैं। तो मेमोरी बहुत शॉर्ट है हमारी। और अक्सर पानी के मामले में मेरा इतने सालों का अनुभव है कि जिस 2 साल बारिश नहीं होती और जल का संकट खड़ा होता है, उस समय जो आप बोलेंगे समाज वो करने लगता है। और जैसे ही पर्याप्त बरसात होती है लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो, और वही लोगों की धारणा बदल जाती है, वो कहते हैं नहीं नहीं देखिए साहब पानी तो बहुत पर्याप्त है और ईश्वर सब दे रहा है, वो देगा, अभी नहीं था, देखिए इस साल फिर हो गया। तो ये एक है। और जिस काली चाट की बात आपने की है वो तो एक उपन्यास है, जो फिक्शन है, वो पानी की किताब नहीं है, पर वो उन अनुभव की समस्या, हाँ समस्या पर, समस्या पर आधारित उपन्यास है। तो उपन्यास में तो आप जानते हैं बहुत सारा फैंटेसी होता है, बहुत रियल नहीं होता। लेकिन जो चट्टानों की बात की है तो हमारा ज्यादातर क्षेत्र ऐसा है कि जो हार्ड रॉक का क्षेत्र है, और हार्ड रॉक में पानी परपोलेट बहुत मुश्किल से होता है, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, अनप्रेडिक्टेबल सोर्स होते हैं, तो ये किसानों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंस। इसमें मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, आप जानते हैं उमाकांत उमराव जी को, कभी कभी कोई प्रशासनिक अधिकारी बहुत सेंसिटिव आता है तो वो कैसे तस्वीर को बदलता है, ये एक एग्जाम्पल हमारे लोगों को जानना चाहिए। सन 2007 में 6-7 में मालवा में बहुत कम बारिश, 4 में भी कम हुई, 5 में भी कम हुई, और लगातार पानी का संकट और मैक्सिमम ट्यूबवेल दम तोड़ चुके थे। ऐसे में एक कलेक्टर आता है देवास जिले में और वो सेंसिटाइज होता है, वो प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता है और एक मुहिम चलाता है और लोगों को मोटिवेट करता है कि वो अपने खेत में तालाब बनाए और पानी को खेती में एक इनपुट की तरह रख के और उसको एक इंडिविजुअल इकोनॉमी से जोड़कर किसान की उसको लोगों के सामने रखा जाता है। यानी कि ये नहीं रखा जाता है कि आपको वाटर कंजर्वेशन करना है, पर्यावरण बचाना है, वो तमाम बड़े बड़े नारे वो नहीं कहते, वो उसको एक पानी को खेती में इनपुट की तरह बात करते हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को उसको जरिया बनाते हैं और देखते ही देखते लोग अपने पैसे से तालाब बनाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपने भी उसकी मॉडल की स्टडी की है। तो ये लेकिन अब उन्हीं क्षेत्रों में उन्हीं लोगों ने जो फायदा लिया है वो अब दूसरों को बता रहे हैं, लेकिन लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि जैसे ही ट्यूबवेल में पानी फिर से बढ़ा, बारिश अच्छी हुई, जो आपने कहा कि वो एक गति उनकी धीमी हो जाती है फिर से, तो ये इसका मतलब है कि लगातार सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। एक दिन, 2 दिन, साल भर, 2 साल, 5 साल का मामला नहीं है। अगर पानी के प्रति, एक तो जो मैंने सबसे पहले कहा कि एक तो दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी, हर आदमी पानी को लेकर एक अपना पैराडाइम शिफ्ट करे कि ये बहुत इफरात में है, जीवन भर मिलता रहेगा, कोई संकट नहीं है, इससे एक तो सोच से बाहर आना पड़ेगा। उसके वैज्ञानिक पक्ष को समझना पड़ेगा कि पानी कैसे कहाँ पहुंच रहा है और कितना हम तक आ रहा है और कितनी इसकी क्वांटिटी है और कितने समय तक हम इस पर जीवित रह पाएंगे। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें ये माना गया है कि 2030 में हमारा पॉपुलेशन 1.6 अरब हो जाएगा, 1.5 अरब के आसपास होगा। अभी हम जल संकट के दौर में गुजर रहे हैं, आप सोचिए पॉपुलेशन जब हमारा 1.5 करोड़ के करीबन होगा, 2050 में जब हमारा पॉपुलेशन जो है 1.70 अरब के करीब होगा, तो पानी तो यही रहेगा ना, पानी जो है उस पर कहीं आपको बढ़ तो नहीं रहा है या डेवलप नहीं हो रहा है, तो यही पानी में आपको मैनेज करना है। तो अगर इस पानी को बढ़ाने के लिए आपने कोशिश नहीं की तो उतनी पॉपुलेशन के लिए आप कैसे व्यवस्था कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि भविष्य दृष्टा होना पड़ेगा, फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा पानी के मामले में, और अपनी फ्यूचरिस्टिक विजन डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए लगातार कम्युनिटी को और सोसाइटी को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। ये इस तरह के आयोजन जो आज आप कर रहे हैं ये भी काफी मददगार होते हैं, नहीं 1000 लोग मोबिलाइज होते हैं, लेकिन 2 भी होते हैं तो 1000 को मोबिलाइज करते हैं। ये प्रोग्राम पानी को लेकर सबसे ज्यादा जो हाहाकार की स्थिति होती है वो मीडिया के जरिए सबसे ज़्यादा जो दिखाई जाती है वो मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों की, लेकिन आप बाड़मेर, बीकानेर जहाँ बारिश बहुत कम गिरती है वहाँ के लोग अभी भी ऐसा प्रबंध रखते हैं कि उन्हें पानी, मतलब इफरात तो नहीं कहा जा सकता लेकिन अपनी ज़रूरत वो पूरी कर लेते हैं।
तो बेसिकली जो अनुपम जी कहते थे कि विचार का आकार, तो ये आकार जो है ये आप इसको कैसे देखते हैं कि बीकानेर का आदमी पानी के लिए हाय तौबा नहीं मचाता, दिल्ली का आदमी मचाता है, और यही सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी थी। गाड़ी धोने से लेकर वो आप जो कह रहे हैं ब्लू वाटर का इस्तेमाल हम गाड़ी धोने में करते हैं, जो ये IPL के मैचेज होते हैं नाइट में, इसमें पानी की बहुत बर्बादी होती है। फिर ये जो गोल्फ कोर्सेज होते हैं जिसमें एक आदमी दो आदमी स्टिक लेकर वो खेल खेलता है, खेले, लेकिन उसकी जो उसका जो ग्रास तैयार करते हैं उसमें बहुत ज्यादा पानी का खर्च होता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए घर घर नल ठीक है, लेकिन नियंत्रण भी एक चीज है कि आप इससे ज्यादा पानी खर्च नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, अगर आप करेंगे तो उस पर भारी जुर्माना होगा। ऐसा कुछ आप सजेस्ट करें कि कैसे इसको प्रबंध किया। ये देखिए मुद्दा जो मीडिया वाला है, सबसे पहली बात तो कि मीडिया उन जगह तक पहुंचता नहीं है, उसकी रेंज नहीं है कि जहां पर प्रबंधन है, क्योंकि वो महानगरों से नीचे बहुत कम उतरता है और उतर के आएगा तो शहर में आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इंदौर शहर को कवर कर लेगा। लेकिन इंदौर और देवास और भोपाल के अंदर के जो इलाके हैं, जो ग्रामीण समुदाय है, आप देखेंगे कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां तभी पहुंचता है जब भयानक कोई हाहाकार हो जाए, और वो अपन छोड़ देंगे वो किस तरह से TRP के लिए मीडिया का रोल हो गया है, वो एक अलग डिबेट का विषय है, और किस तरह से उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क है, तो वो एक बात का मुद्दा। जो मुद्दा आपने कहा कि पानी का अपव्यय, और जो आपने कहा कि राजस्थान का जो समाज और अनुपम जी की जो बात कर रहे हैं आप, अनुपम जी बार बार ये बात करते थे और लिखते थे, और कुछ चिट्ठियां भी मेरे पास हैं उनकी, कि हमें अपने तालाबों की तरफ लौटना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं उनका बात कहने का मतलब, तालाब को हम तालाब पकड़ कर न चले, तालाब एक संरचना को पकड़ कर न चले। लोगों ने संरचना पकड़ ली, उन्होंने कहा साहब यहाँ तो तालाब बन नहीं सकता। अरे वो ये कह रहे हैं कि आप सरफेस वाटर पर जो बारिश में आ रहा है उसी पानी के हिसाब से अपने प्रबंधन की व्यवस्था करें, उतना ही पानी उपयोग करें जितना आ रहा है, और ग्राउंड वाटर को आप उसी तरह से रहने दीजिए जो बुरे वक्त के आपके काम आएगा जीवन के लिए। तो ये वो जो कहते हैं कि तालाब की ओर लौटना होगा, तो सिर्फ संरचना की तरफ लौटने की बात नहीं कर रहे। दूसरा ये कि आपने जिस राजस्थान के समाज की बात की, उसके पास तो लिमिटेड बारिश है, उसके अपने तरीके हैं, वो टांका बनाता है, वो खड़ीन बनाता है, वो कुछ कुछ और काम करता है, और उस पानी को साल भर के लिए मैनेज करता है कि उस कुंडी में जितना पानी है वही साल भर की उसकी आवश्यकता है। उसको पता है अब कहीं से आने वाला नहीं है, तो कार नहीं धोएगा कभी भी। और आपको बता दूं कि पुराने लोग जो थे, मैं फिर परंपराओं की बात करने लगूंगा, पुराने लोग थे, अगर मेरी दादी थी और मैंने आधा गिलास पानी पी के और आधा फेंका, तो कहती थी कि पानी फेंकने से कर्जा बढ़ता। अब क्या मैसेज देने के तरीके थे समाज में, क्या पानी मत फेंकिए, वेस्ट मत करिए तो कर्जा बढ़ेगा। कर्जे से मतलब क्या था, यही है ना जो आज जिस स्थिति के अंदर हम पहुंच गए हैं, यानी कि कर्जे का मतलब है कि आप साहूकार के चुंगल में फंसेंगे और एक दिन आप मरेंगे, सुसाइड भी करेंगे या हत्याएं करेंगे या झगड़े करेंगे, वही सब हो रहे हैं। तो समाज का अपना एक तरीका था, तो वो राजस्थान ने, आप सौराष्ट्र में चले जाइए, जो मान लीजिए वहां पे सी इंट्रूजन के कारण अगर खारा पानी है, तो वहां लोगों ने अपना कुंडियां बनाई नदियों के और नालों के बेड में, और कुंडियां बना के उसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया, मीठा पानी, और उनको पता था कि इस बार इतना मीठा पानी है, तो उतना ही पानी वो उन कुओं से पीने के लिए निकालते थे ताकि वो खारा पानी उसमें ना मिक्स हो जाए। तो जो प्रबंधन की बात है ना, मैनेजमेंट में सभी चीजें आएंगी सुतन जी, कि जितना पानी हमारे पास है, जैसे हमें, हम करते हैं कि नहीं रोजमर्रा में, कि अगर हमारी तनख्वाह 50,000 रुपए है तो हम कोशिश करते हैं कि 45,000 में घर चलाएं और 5,000 पूरे वक्त के लिए बचा लें। लेकिन पानी के मामले में हम ये करते हैं कि हमारे पास अगर 100 लीटर है तो हम खर्च करते हैं 200 लीटर। आप देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि 21 महानगर पिछले ही साल जीरो डे वहां घोषित कर दिया गया। जीरो डे का मतलब है कि आपके पास ग्राउंड वाटर की जितनी मात्रा है हर साल उतनी आप ओवर एक्सप्लोइट कर दें, यानी कि उससे ज्यादा पानी आप निकाल के प्रयोग कर, तो एक दिन आपको जीरो डे घोषित हो जाएगा कि नो मोर, और पानी नहीं होगा तो फिर देवास में 1990 में ट्रेन से पानी लाया गया और पिलाया गया लोगों को,
तो ये सब सीन कितने समय तक आप करेंगे? तो ये प्रबंधन ही इसका इलाज है, और ये हमको प्रबंधन में वाटर कंजर्वेशन भी है, पानी का रीयूज भी है, और पानी का वाइसफुल यूज, विवेकपूर्ण निर्णय, ये भी उसमें शामिल करना पड़ेगा कि हम पानी को कितने विवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करें, इस पर भी लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा व्यवहारिक बात मैं आपसे कर रहा हूँ। जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे बागवानी सिखाई जाती थी, मुझे बटन टांकने के लिए स्कूल में सिखाया गया। अब ये जो नए स्कूल हैं, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड स्कूल, विकसित स्कूल, मॉडर्न स्कूल नाम भी होते हैं, मॉडर्न स्कूल, तो ऐसे स्कूलों में इस तरह की ट्रेनिंग देनी बंद कर दी गई। तो ऐसे मुझे लगता है कि स्कूलों में अगर हम पानी घर में भी बताएं बच्चों को, जैसे आपकी दादी बताती हैं कि पानी फेंकने से कर्जा बढ़ेगा, तो इस तरह से अगर हम बच्चों में भी बात करें घर से लेकर स्कूल तक में कि पानी कैसे प्रबंध करें, पानी कैसे बचाएं, तो शायद कुछ ऐसे फर्क पड़ सकता है। ये देखिए, अगर वो सुदन जी कैरिकुलम की तरह आएगा तो बच्चे फिर वैसे ही रटेंगे जैसे दूसरा पाठ रटते हैं। उसको व्यवहार में लाना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमें ये देखना पड़ेगा अगर हम पानी में काम करने जा रहे हैं तो हम कहाँ कहाँ पानी को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल के साथ काम कर रहे हैं अगर सैनिटेशन पे, हम बहुत सारे सरकारी स्कूलों में सैनिटेशन के साथ हमारी संस्था काम करती है, तो हमने देखा कि वहां पर मिड डे मील में अगर 100 बच्चे हैं तो हर दिन 150 लीटर पानी उनको हाथ धोने में खर्च हो रहा है, और हैंडपंप चल रहा है, लगातार एक बच्चा चलाया जा रहा है, एक बच्चा हाथ धो रहा है इतनी देर में 2 लीटर 2.5 लीटर पानी में, यानी कि इतना बड़ा पानी का मिसयूज हो रहा है। और ये एक स्कूल नहीं, अगर एक जिले में 5,000 स्कूल है और वो स्कूल अगर 200 दिन लगते हैं पूरे साल भर में, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि पानी का क्वांटम कितना है जो वेस्ट हो गया। हमने उसको महसूस किया और हमने देखा, और हमने एक हैंडवॉश यूनिट डेवलप की कि जिसमें हम कैसे बच्चे का 60% से ज्यादा पानी हम बचा लें, कि वो अगर 1 लीटर पानी उसको लग रहा है तो कैसे वो 400 ml या 300 ml में अपने हाथ धो ले। तो दूसरा ये है कि हमने उस हैंडवॉश यूनिट को ऐसे स्टेब्लिश किया कि जब उसका टॉयलेट है और 100 बच्चे अगर यूरिनल का यूज कर रहे हैं तो उसमें जो स्मेल है उसको साफ करने के लिए पानी लग रहा है अगर 50 लीटर, तो हमने यही पानी जो हैंडवॉश का है हमने डिजाइन में एक चेंज किया, एक मॉडिफिकेशन किया यूनिट को बनाने के बाद, और वो हमने ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि हाथ धुलाई का जितना भी वेस्ट वाटर निकलेगा वो यूरिनल में जाएगा और वो यूरिनल को क्लीन करेगा, बहता हुआ जाएगा, तो एक तो स्मेल नहीं करेगा प्लस एक्स्ट्रा पानी नहीं लगेगा। तो ये जब हम स्कूलों में काम करते हैं बच्चों के साथ तो बच्चों की दृष्टि विकसित होती है कि अरे भाई इससे तो पानी बचता है, तब फिर बच्चा खुद ही बॉटल लाने लगा, जो पहले मुंह को ऐसे नल लगा के पानी पीता था, तो हाइजीन की दृष्टि से तो खराब है ही कि वो हाथ को अगर टच करेगा पानी पिएगा तो नुकसान होगा, उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन उसको ये भी समझ में आया कि ऐसे में पानी वेस्ट भी ज्यादा होता है, तो वो स्कूल में बॉटल लेके आता है, अपनी बॉटल को भरता है उससे और फिर ऊंचे से पानी पी लेता है या मुंह लगा के पानी पी लेता है, तो उतना पानी उसका रुक जाता है, वो घर में भी इन चीजों को करेगा। तो मुझे लगता है कि एक व्यवहार में जो नॉलेज है, नॉलेज तो देखिए सबको है आज की तारीख में, दूसरा जितने भी आर्किटेक्ट हैं वो कभी भी इस मकानों में या इस डिजाइन को लेकर ऐसा नहीं सोचते कि जिसमें पानी बचाया जा सके, उनका डिजाइनिंग में उस तरह का, क्योंकि उनका दृष्टि नहीं। तो ये है कि हम कैसे इस, और वो जानते हैं इस बात को कि पानी का संकट है और पानी बचाना चाहिए, लेकिन वो व्यवहार में नहीं आ पा रहा, बिहेवियर में हमारे नहीं आ पा रहा जो नॉलेज हमें है। तो ये सोचना पड़ेगा कि कैसे वो हमारे समाज की व्यवहार में बदलाव आए, कैसे हमारा समाज उसको बदलाव करे, अपना मानस तैयार करे और पानी को इस तरह से देखने लगे। जब हम निबंध लिखते हैं ना, बच्चा भी निबंध लिखता है तो लिखता है वाटर इज ए प्रीशियस, बहुमूल्य है, जल ही जीवन है, लेकिन हम उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं जल के साथ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो नॉलेज है कि जल ही जीवन है, वो व्यवहार में कैसे रूपांतरित हो, इस पर बहुत सोचना होगा और समाज के बड़ी संख्या में लोगों को आ गया, तब ये सेंसिटाइजेशन का काम हो सकता है। अच्छा, दो मॉडल है,
एक तो दिल्ली का एक मॉडल है कि दिल्ली में ये अनिवार्य कर दिया गया कि आप मकान बनाएंगे तो नीचे का फ्लोर जो है पार्किंग का आपको बनाना पड़ेगा, बाहर आप सड़कों पर पार्किंग कम करें, गलियों में दिक्कत होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, तो यहाँ पर इन्होंने किया कि आप पार्किंग की मतलब जो आप आर्किटेक्ट से नक्शा पास कराना जो कहते हैं उसमें वो आपको दिखाना पड़ता है तभी पास होगा। इसी तरह से चेन्नई में अगर आप रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का कोई मॉडल मतलब वो छत पर पानी संग्रह करने की कोई वो करेंगे तभी आपका अपार्टमेंट बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, ऐसा नक्शा वहाँ पास होता है। तो ये जो पद्धति है ये मतलब दोनों पानी का संकट वहाँ भी है यहाँ भी है। चेन्नई ने ठीक है वहाँ पे 1200 तालाब होते थे, अभी वो सिमट के 50-50 रह गए। दिल्ली में 400 तालाब थे आज़ादी से पहले, अब 3-4 रह गए। तो जो परम हमने अपनी अपने एक तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से जो हम जो पानी का क्षेत्र था चाहे नदियों में घुस के हमने उसके बेड में जाके बसना शुरू कर दिया और तालाब को भर कर उस पर मकान बना लिए गए, शॉपिंग मॉल बनाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें कहाँ ले जाएंगी? मतलब जो स्थिति है इससे और इसमें आपने जो जो यात्राएं आप करते हैं देश के अंदर मतलब आप अलग अलग इलाके में जाते हैं तो क्या आपको दिखता है मतलब कुछ समाज ने इन सब चीज़ों से सीखा है और वो अपने को बदल रहे हैं और पानी के लिए वो काम कर रहे हैं, पानी बचाने का, पानी संग्रहित करने का उन्होंने काम किया है? तो आपको कुछ उदाहरण से आप समझा पाएंगे कि महाराष्ट्र में ऐसा काम हुआ है या बिहार में हुआ है या कहीं भी जो भी है वो थोड़ा जानना चाहेंगे कि ताकि दर्शकों को आपके सुनने वालों को ये पता चले कि हम भी ये काम कर सकते हैं, ये काम बहुत कठिन नहीं है। अगर हम 15 दिन दशहरे के अवसर पर हम गांव जाते हैं उस 15 दिन में हम ये सोच कर जाएं कि हम 15 या 20 यूथ मिलकर एक तालाब बना सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो पानी को संग्रहित कर सके या जो पहले से गड्ढा है उसको फिर से वो कर दें, उसको फिर से बना दें ताकि बारिश हो तो उसमें पानी संग्रहित हो, ऐसा कुछ आपको किस समाज में दिखता हो कुछ समाज में उसका उदाहरण लेकर आप बताएं। बहुत एक तो मैं ये जानकारी दे दूं कि जो आपने बात कही कि दिल्ली में पार्किंग मैंडेटरी है और चेन्नई में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी है, सन 2002 से पूरे देश में अगर आप घर बना रहे हैं तो आपका नक्शा तभी पास होगा जब उसमें आपने वाटर कंजर्वेशन का कोई मॉडल रखा है, यानी कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका नक्शा पास नहीं होगा और उसमें आपने प्रोविजन दिया है और बाद में उसका वो वेरीफाई करता है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत कि वहां पे वो हुआ है या नहीं हुआ। ये तो बात हुई नियम की, नियम तो बड़ा पक्का है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर मैं वही कह रहा हूं कि जब तक समाज की दृष्टि नहीं बनेगी ना ये बेईमानी चलती रहेगी। कई लोग मेरे पास आते हैं कि साहब वो नक्शे में वो पैसा भी कुछ जमा होता है तो उन्होंने कहा क्या करें, तो बोले साहब कोई गड्ढा बना देगा, तो एक गड्ढा बना दिया कि साहब हाँ इसमें पानी आ रहा है, यानी कि हमने वाटर कंजर्वेशन का काम कर लिया और हमने नक्शा पास करा लिया और अपना काम चालू कर दिया और वो फिर जो बरसात का पानी है वो कहाँ बह के जा रहा है और क्या हो रहा है पता नहीं उसका गड्ढे का, और गड्ढा भी बनाया नहीं बना और गड्ढा कितना पानी रोकेगा, यानी कि आपने अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को वहां पर इंसर्ट नहीं किया, आपने ऑनेस्टली अपने ही जिंदा रहने के लिए जो काम करना चाहिए था उसी में बेईमानी कर, मतलब ऐसा कहेंगे कि जानबूझकर आप कोई गलत चीज ले आए क्योंकि जल जीवन है और उसी को जो आपको बचाने के लिए उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको मॉडल दिया था आपने अपनी बेईमानी से उसको, और आर्किटेक्ट ने भी कहा कि नहीं एस्थेटिक सेंस का ध्यान रखना है, अगर ये पाइप इधर से आएगा तो घर का लुक खराब हो जाएगा मतलब जीवन से ज्यादा कई बार एस्थेटिक सेंस महानगरों में होता है, तो इसलिए दिल्ली मुंबई इंदौर भी अब उसमें शामिल है, ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा आपने कहा कि हम क्या काम कर सकते हैं,
मैं इसका केवल एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि 1998 में जब हमने देवास में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की बात की, देवास की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और ये अच्छा लगेगा मुझे भी कहना और आपको भी सुनना कि जो आज की तारीख में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल है जो हर घर में अडॉप्ट किया जा सकता है, जो इतना कॉस्ट इफेक्टिव है, वो देवास की देन। उसके पहले जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की टेक्नोलॉजी थी उसमें एक हाउस होल्ड पे 60 से 70 हजार रुपए का खर्चा होता था और सीधे सर्विस वेल पर चार्ज नहीं किया जाता था। हमने एक हॉरिजॉन्टल रूफ वाटर हार्वेस्टिंग फिल्टर डेवलप किया और सीधा सर्विस वेल में पानी डाला। और अब मुद्दा ये था कि जब ये हमारे पास टेक्नोलॉजी हमने डिवाइस कर ली, हमारे पास एक फुल प्रूफ प्लान हमने बना लिया, अब इसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर कैसे करें। तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि देवास में कुल कितने ट्यूबवेल है घरों में। अब ये डाटा अगर हमने नगर निगम से बात की तो उन्होंने कहा कि हमको साहब 6 महीने लगेंगे आपको ये डाटा देने, इसमें इतना खर्चा इन्वॉल्व होगा। तो मीनवाइल हम क्या करें रियली हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कोई हमारी योजना में भी शामिल नहीं था। तो हम 3-4 लोग थे, तो हम मेरे एक मित्र GDC में प्रोफेसर थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना बच्चों से पानी पे बात की जाए। तो हमने कहा तुम वहां पे कार्यक्रम रखो, हम लोग आएंगे और पानी पे बात करेंगे। उन्होंने बुलाया और हमने करीबन 1,000-1,200 बच्चियां थी कॉलेज में, उन्होंने मैक्सिमम बच्चियां जो आ सकती थी 500-700 बच्चियां उनको इकट्ठा किया और हमने पानी पे उनसे 1.5-2 घंटे बात की। और हमने कहा कि हम ऐसा करना चाहते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि वो अभी 6 महीने लगेंगे उस डाटा को आने में। तो एक बच्ची ने कुछ देर बाद हाथ खड़ा करके कहा कि मेरे मोहल्ले के 10 ट्यूबवेल है, उनकी लिस्ट तो मैं आपको दे दूंगी कल। आप देखिए 7 दिन में उन बच्चियों के माध्यम से देवास के 5,500 ट्यूबवेल का ऑनेस्ट डाटा हमारे पास था इकब खुदा। और फिर हमने उन्हीं बच्चियों को यूज किया अवेयर करने के लिए कि आप एक घर में लगवाइए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग और आप 5 लोगों को तैयार करिए, 1 से 5 वाले मॉडल क्या है कि एक बच्ची 5 लोगों को तैयार करे, वो चाहे उसका अंकल हो या वो हो। बहुत सारे टेबू थे, इतना आसान भी नहीं था। शुरू में था कि छत का पानी सीधा उस ट्यूबवेल में जाएगा और हम पीने के लिए लेंगे, कैसे पिएंगे तमाम। लेकिन लोगों को लगातार काउंसलिंग की गई, लगातार सेंसिटाइज किया गया और देवास में हुआ। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ये सारे काम को देखते हुए एक डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर यहाँ लगाया स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो पहले सहमत नहीं थे कि सीधे सर्विस वेल में पानी डाला जाए। 2004 की रिपोर्ट नेट पर अवेलेबल है CGWP की, देवास रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से 1.5 मीटर देवास का पानी वाटर लेवल अप हुआ था। तो ये कोशिश समाज ने की ना। तो मेरा कहना है कि जो हम बजाय सरकार के या किसी के भरोसे रहने के, यदि हम केवल शहर में हैं तो अपने आसपास के 5 लोगों को अगर हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार करें, सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करें, सबसे पहले आप तैयार करके खुद लगाइए, फिर 5 लोगों को दिखाइए, चाय पिलाइए उनको अपने घर बुला के और उनको दिखाइए ये सिस्टम है और उसके एडवोकेसी करिए और उन लोगों को आप लगवा दीजिए। छोटा एफर्ट बड़े परिणाम देगा। और उन 5 लोगों से प्रॉमिस ले लीजिए कि भैया आप भी 5 लोगों को, तो 1 से 5, 5 से 25, 25 से 125, ये कारमा बढ़ता जाएगा। गाँव में अगर आप जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि जो बहुत सारे पुरानी संरचना है, ऑलरेडी कई स्टॉप डैम है जिनमें टूट फूट हो गई है, कई तालाब हैं जिसमें कोई टूट फूट हो गई है, तो आप नया तालाब बनाने में आपकी एनर्जी उतना एकदम से न तो रिजल्ट आता है न लोग एकदम से तैयार होते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। और दूसरा, गांव में अब सरकारों के दबाव में आदत ये हो गई है कि बाहर से आएगा तो कोई अपना लगाना इनपुट नहीं चाहता, ये बड़ा चैलेंज है गाँव। तो आप उनको कहिए कि हम पहले उन संरचनाओं की मरम्मत कर दें। दूसरा, हम अगर गांव में गए तो हम नहीं कहें कि आप लोग आके लेबर करिए, हम उनको अवेयर करें कि वो पानी का यूज कैसे करें, पानी का ग्रे वाटर का रीयूज कैसे करें, उस पर हम उनके साथ बात करें, छोटी संरचनाओं पर बात करें, इंडिविजुअल हाउस होल्ड को प्रमोट करें। और हम एक बार गांव गए और हम केवल 5 लोगों को, सिर्फ 5 परिवार को, हमारा टारगेट है कि हम 5 परिवार को मोटिवेट करेंगे कि वो पानी का वाइसफुल उपयोग करने लगे, जहां जितना उचित है उतना करे, उतना पानी बचा दे और जो ग्रे वाटर निकल रहा है उसका रीयूज कर दे। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आपने 20 लोगों को ग्रे वाटर रीयूज करा दिया तो एक तालाब खोदने के बराबर है। जो तालाब की ओर लौटने,
एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, वक्त काफी हो गया है, कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्षा की मात्रा है, तो उस हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पॉलिसी भी होगी। जैसे जहाँ बारिश ही कम गिरती है वहाँ रूफ हार्वेस्टिंग वो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत फिजिबल नहीं होगा। तो वैसे इलाके में मतलब अलग अलग आप चार पांच मॉडल के बारे में थोड़ा छोटी छोटी जानकारी दें कि जहाँ वर्षा ज़्यादा गिरता है वहाँ क्या करें, जहाँ मझोले किस्म की बारिश गिरती वहाँ क्या करें, और सबसे कम वाली बारिश में क्या करें। देखिए, अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो इसका बेस इस पर नहीं है कि कितना पानी गिरता है, बेस इस पर है कि वहाँ की रीजनल ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, वेजिटेशन, ये सब क्या कहता है, ये उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा ये है कि जो पानी कितना गिर रहा है, अगर मान लीजिए जहाँ पानी कम गिर रहा है, आपने अच्छा सवाल किया है, आप देखिए कि जहाँ पानी कम गिर रहा है राजस्थान में, चूरू में पानी कम गिर रहा है या बीकानेर में कम गिर रहा है, तो टांका बना रहे हैं। टांका मतलब अंडरग्राउंड एक टंकी है, तो जितना भी पानी गिर रहा है उसको सहज रहे हैं उस टंकी में, कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर मान लीजिए वहां आपको 200 मिलीमीटर बारिश हो रही है, तो उतना पानी सहज है। जहां 1000 लीटर पानी, 1000 mm बारिश हो रही है, तो वहां पे टांके की साइज 4 गुना हो जाएगी। यानी कि पद्धति तो वही रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर का साइज चेंज हो जाएगा। अगर तालाब बना रहे हैं तो कैचमेंट, अगर बारिश कम है, कैचमेंट कम है, तो तालाब का साइज छोटा हो जाएगा। जहां बारिश ज्यादा है, कैचमेंट बड़ा है, तो तालाब का साइज बड़ा हो जाएगा या नंबर ऑफ तालाब हो जाएंगे। तो संरचनाएं वही रहेगी, छत का पानी चाहे आप ट्यूबवेल में उतारें, चाहे आप किसी पिट के माध्यम से नीचे जमीन के अंदर उतारें सेकेंडरी संरचना में, या आप कोई टैंक बना के कलेक्ट करके उसका रीयूज करें। एक एग्जांपल ये है कि अगर आप बारिश में सब नहीं करना चाहते और आपने 10,000 का टंकी रख लिया 5,000 लीटर का, आज बारिश हुई, उसमें अगर 1,000 लीटर पानी इकट्ठा हुआ, कल आप इस पानी को यूज करें, कल आप ग्राउंड वाटर को नहीं छुएंगे। तो अगर 4 महीने भी आपने 10 लीटर 5,000 लीटर की टंकी रख के उसमें कलेक्ट करके पानी को उसका रीयूज करते रहे, तो आपने कितना ब्लू वाटर बचा दिया ग्राउंड वाटर। तो ये भी तरीके हो सकते हैं कि यानी कि, और मेरा सिर्फ इसमें सुदन जी रहता है कि मैं कभी भी तकनीक के प्रमोशन की बात नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट के प्रमोशन की बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि बारिश के पानी को जैसे भी हो रोकिए और उसका उपयोग करिए, और पानी का बड़ा विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करिए। अब आप क्या कट करेंगे, क्या जोड़ेंगे, ये अलग अलग आदमी के ऊपर होगा, और कैसे वो संग्रहित करेगा और कैसे उसको यूज करेगा, ये उसके ऊपर रहेगा। तो ये हमको मॉडल देना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा कि पानी को आपको समझना पड़ेगा, पानी के साथ होना पड़ेगा, नहीं तो पानी ने अगर आपका साथ छोड़ दिया तो फिर आप समझ सकते हैं मतलब क्या होगा। अभी तो साथ नहीं छोड़ रहा, आप साथ छोड़ रहे हो पानी। एक आखिरी बात, मतलब पिछले सवाल में ही मैंने आखिरी बात कही थी, पर मुझे एक बात और ध्यान आ गई कि ग्राउंड वाटर का जो हम यूज कर रहे हैं और जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है उससे हार्ड मटेरियल हमारे पानी में आ रहा है और हम बीमार हो रहे हैं, ये बात तो ये है। दूसरी बात, एक बात मैंने कहीं और पढ़ी थी कि जो दलदलीपन है, मतलब दलदलापन, दलदल जमीन होती है पानी के कारण, अगर पानी निकल जाएगा तो उससे कह रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता और भूकंप की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, मतलब भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती जाएगी, ऐसा। ये देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीजें मिथ की तरह चलती हैं। जैसे एक मिथ है कि पेड़ होगा तो बारिश होगी, है ना। 1000 कारणों में से एक कारण है बारिश होने का। अब आप भूकंप वाला एक जो जिस दलदली जमीन की आप बात कर रहे हैं, साइंटिफिकली हम उसको वाटर लॉक्ड एरिया कहते हैं, और बहुत कम जगह है जो वाटर लॉक्ड एरिया है। वहां पर वाटर लॉक का मतलब है कि जो वाटर टेबल है वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर है, समझ रहे हैं आप, मतलब जो वाटर लेवल है वो ग्राउंड सरफेस पे है। तो ग्राउंड सरफेस के ऊपर होने से वो वाटर लॉक्ड एरिया कहलाया है, दलदली क्षेत्र हो गया है, वो बहुत कम पॉकेट में है। बड़ा समस्या हमारे पास वो है जो वाटर स्कैर्सिटी एरिया है। तो दूसरा है कि अगर आप पानी बचाते हैं तो आप भूकंप का जो केंद्र होता है वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर नीचे होता है,
और उसके बहुत सारे रीजन है कि वो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहा है, उसको प्रेशर है, टेम्परेचर है, पचासों चीजें काम कर रही हैं, तब जाके ये आप जो पानी बचा देंगे ना, उस पानी के बचाने से वहां तिल बराबर भी, जैसे एक हाथी की पीठ पर है ना, अगर एक जीरे का टुकड़ा गिर जाए तो हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वैसा मामला है कि अगर आप वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं, आप पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उससे भूकंप के कारणों का कोई संबंध नहीं है। और ये मिथ जब चल जाता है तो फिर लोग समाज में उसको लिखने भी लगते हैं, देखना उसको, उनको जोड़ने लगते हैं वो अपने योग संयोग से। और कोई बात आपको लग रही हो जो छूट गई हो, जो कहना आपको महत्वपूर्ण लग रहा है सन, तो आप सुदन जी, मुझे लग रहा है कि पानी की बात तो बहुत लंबी हो सकती है, और मुझे तो बड़ा रस आता है पानी की बात करने में, और रस का मतलब उस रस से नहीं है जो उसका शाब्दिक अर्थ है, रस से मतलब है कि आपको लगता है कि आप क्या, जिस तरह से हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, तो अगर हम पानी के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें तो ये एक बड़ा काम होगा। एक घंटे लगभग बात हुई है, तो जो लोग सुन रहे हैं हमें उनका भी ध्यान रखना है कि वो ज्यादा देर हमें नहीं सुन पाएंगे। तो अंत में मैं जो बात अपनी कहना चाहता हूँ वही यही कहना चाहता हूँ कि एक तो पानी की कमी नहीं है, पानी के प्रबंधन की कमी, दूसरा हम पानी के बारे में सोचना शुरू करें, और ये सोचना शुरू करें कि पानी का कितना हम विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। जितना हम अपने पैसे का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, उससे कई गुना अधिक हमें पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा, दृष्टि विकसित करनी होगी, और कुछ इनोवेटिव थॉट्स लाने पड़ेंगे, कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स लाना पड़ेंगी, और बहुत बड़े वर्ग को अवेयर करने का बीड़ा न उठाएं, वो आपको डिमोरलाइज करेगा। आप तो, मैंने जो कहा ना कि भैया हम 5 लोगों से बात करेंगे कुल मिला के बस, और उन 5 से प्रॉमिस लेंगे कि वो अगले 5 से बात करेंगे, तो बहुत बड़ा काम होगा। ये चेन अगर हम बना सके तो शायद पूरे देश के लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकेंगे, और सबकी साझेदारी भी हो जाएगी इसमें, सभी की अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। अकेले 2-4-6 लोग जो वाटर वॉरियर के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं का जिम्मा नहीं रह जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम संकल्प भी, मैं क्योंकि संकल्प तो तोड़ने के लिए ही लिए जाते हैं, इसलिए संकल्प वंकल्प नहीं लेना चाहिए, आप कोशिश करिए और सिर्फ 5 लोगों को पानी के बारे में अवेयर करिए, उनसे पानी के लिए कुछ काम करिए, और सबसे पहले अपने से शुरुआत करिए, बस इतने से हम चेन आगे बढ़ा दें। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नीरज जी, जी बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं, पता भी बहुत लोगों को होती हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं उनसे लोग अवेयर नहीं होते हैं, जो आपने आज बताया। बहुत सारे लोग हमें देख रहे थे, दर्शक सुन और श्रोता सुन भी रहे थे। देवास जिले के ब्रजेश कानूनगो जी ने पूछा है कि तालाब योजना, वैसे तो आपने काफी कुछ देवास की योजनाओं के बारे में बता भी दिया है, उसकी सफलता और असफलता के बारे में वो जानना चाहते हैं कि वो कहाँ तक कितना सफल रहा है। देखिए तालाब, ब्रजेश जी मेरे वरिष्ठ हैं, ये बता दूंगा आपको, मेरे अग्रज हैं, और ब्रजेश भाई को मैं बात कहना चाहता हूँ कि तालाब हर हालत में सफल है, असफल शब्द तो किसी भी जल संरचना के साथ नहीं जुड़ा। अगर वहां की जियोलॉजी ऐसी होगी, इम्परवियस लेयर होगी, तो वो पानी उसमें कलेक्ट होगा और आप उसको रीयूज कर पाएंगे। अगर वो परवियस लेयर है तो वो पानी नीचे जमीन में रिसकर ग्राउंड वाटर में पहुंचेगा और वो ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाएगा। जो मूल सवाल ब्रजेश भाई का है कि जो सरकारी योजनाओं में जो तालाब बन रहे हैं उनकी सफलता और असफलता, तो रीवा सागर का एक कॉन्सेप्ट था, हमारे यहाँ सब्सिडी दी गई, उसमें बहुत सारे तालाबों पर काम हुआ और वास्तव में उसमें काम हुआ, और बहुत सारे फर्जी प्रकरण भी सामने आए, क्योंकि सरकारी योजनाओं में दोनों ही काम होता है, लेकिन काफी हद तक ये काम हुआ क्योंकि किसान की मतलब का काम। जैसे मनरेगा में मैं ये कहता हूँ कि सबसे मनरेगा की खूबसूरत चीज अगर है तो वह है नीरज जी कपिलधारा योजना। कपिलधारा योजना में जो छोटे किसानों के यहाँ कुएं खुदे हैं, आप देखिए इतने नंबर में कुएं खुदे हैं आपको, और उससे कितना पानी बढ़ा है, उससे कितना, वो एक तरीके से वाटर कंजर्वेशन का भी काम कर रहा है।
प्लस वो उनको इरिगेशन की फैसिलिटी भी दे रहा है। तो निश्चित रूप से योजनाएं, सरकारी योजनाओं में अगर तालाब आता है तो कुछ हद तक असफल होता है, 10-15%, 20% तक, और 80% तक लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका लाभ उनको मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम तो यहाँ पे यूपी में हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि गांवों के, हर गांव के करीब करीब बाहर एक यहाँ पे जोड़ा बोलते हैं उसको, जो तालाब होते हैं, तो वो आपको जोड़ा मिलेगा वहां पे, वहां पशु पानी भी पिएंगे, धोबी कपड़े भी धोएंगे और बारिश में वो फुल लबालब भर जाता है। तो आगे चल के गर्मियों में लंबे लंबे उसके पाइप डाल के उससे पानी खींच के आसपास के जो खेत होते हैं उनमें सिंचाई भी उनसे होती है, क्योंकि छोटे किसानों के पास होता नहीं है कि कोई कुआं या पंपिंग सिस्टम, और वो बड़े किसानों से जब लेते हैं तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है उनको, तो वो उनकी जो लागत होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये चीजें तो उस जगह बहुत काम आती हैं। मैं आपसे, मैं भी और एक सुधा भार्गव जी हैं हमारी, वो भी आपसे जानना चाहती हैं, जो वाव जिसको हम गुजरात में कहते हैं, बावड़ी, वाव जो होती है, हम लोग भी, हमारा अहमदाबाद में, मैं पली बड़ी हूँ तो हमारे घर के पास ही अडालज की वाव थी साबरमती में, मैंने भी देखी है वो, तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में वो थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। देखिए दो बातें सुधा जी के जवाब देने के पहले, जो बात आपने कही थी यूपी को लेकर, एक मुद्दा यह है कि अगर आप देखेंगे कि पानी में, तो हमारा डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम कुल पानी का केवल 9% खर्च करते हैं, और खेती के लिए हम 80% से ज्यादा पानी सिर्फ खेती में खर्च करते हैं। तो बड़े मैनेजमेंट की जरूरत हमें कहाँ होगी जहां पर हम 80% पानी खर्च कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो पिछले ही प्रश्न के से जुड़ा मुद्दा था कि सरकारी योजनाओं के तालाबों की क्या स्थिति होगी, तो उस 85-80% पानी पे कंजर्वेशन, बावड़ी, कुएं, तालाब हमारे बहुत परंपरागत जल स्रोत हैं। और बावड़ी क्या है कि आपका सब सरफेस वाटर है, और एक पूरा एस्थेटिक सेंस के साथ उसको बनाया जाता था, उसका अपना एक आर्किटेक्चर होता था बावड़ी का, और ये सब सरफेस वाटर है। बावड़ियों को जिंदा करना चाहिए, बावड़ियों को जिंदा सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप उसका पानी पिएंगे, एक वेल डेवलपमेंट होता है प्रोसेस की। आप देखिए जो बावड़ियां शहरों में है या जो कुएं हैं, मतलब अकेले हम देवास की बात करें तो हमारे मीरा बावड़ी है, खारी बावड़ी, मोहल्लों के नाम हो गए उस बावड़ी के नाम से, जो मोहल्ला है वो मीरा बावड़ी कहलाता है, वो इसलिए कहलाता है क्योंकि वहां पे एक बावड़ी है उसका नाम मीरा बावड़ी था, तो उसके पूरा मोहल्ला मीरा बावड़ी से जाना जाता है। लेकिन अभी देखेंगे आप कि बरसों से किसी ने उस बावड़ी में झांक कर नहीं देखा, तमाम कचरा शहर का उस बावड़ी के अंदर डाल दिया जाता है, यानी कि वो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। ये बावड़ियां जिनमें पानी इकट्ठा रहता था ये हमारे भूजल को भी बढ़ाती थी, और ये पानी के प्यूरिफिकेशन का भी काम करती थी, और ये शहरों में आने वाले फ्लड, बारिश के समय में जो सड़कों में पानी भर जाता है उसको भी रोकती थी, और आप उसको दूसरे कामों के, पीने के अलावा जितने काम है उस बावड़ी से आप काम ले सकते हैं ना पानी। तो पहले हमें शहरी क्षेत्र में हम ये मुहिम चला सकते हैं, सुधा जी मुहिम चला सकती हैं गुजरात में जिस भी शहर में वो रहती हैं, कि वहां जितनी बावड़ियां हैं अगली बारिश में क्या उन बावड़ियों को क्लीनिंग किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, तो उनकी साफ सफाई करें और उसमें जो पानी संग्रहित हो उस पानी के उपयोग की योजना उसी मोहल्ले में बनाई जाए, क्योंकि आप दूर तो नहीं ले जाएंगे, तो क्या संभव हो सकता है कि पीने के अलावा किन दिगर कामों में ये बावड़ी का पानी उपयोग किया जा सकता है। कहते हैं ना कि जब बावड़ी को आप उलीझते हैं तो फिर नया पानी आता है, हमारे लिए भी कहते हैं कि जब हम अपने चीजों को, नहीं तो जो थम जाता है पानी वो सड़ने लगता है, यदि हम भी कहीं अपने विचारों में कहीं रुक गए हैं तो हम सड़ने लगते हैं, तो हमें खाली करना पड़ता है तब वो आता है। तो उन बावड़ियों को खाली करना बहुत जरूरी है, उलीचना बहुत जरूरी है, तभी उसमें नया पानी आ पाएगा, साफ पानी आ पाएगा, और उन्हें साफ रखना मंदिर की तरह बावड़ियों को नितांत जरूरी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इसकी उपयोगिता तो अब लोगों ने तो बिल्कुल समाप्ति कर दी है, क्योंकि मैं छोटी सी थी, बल्कि 50 साल तो मुझे भी देखते हुए हो गए हैं उस बावड़ी को, जब मैंने शुरुआत में देखी थी तब भी वो आपने जैसे कहा ना कूड़ा करकट वाला हिसाब, वही वहां मुझे भी देखने को मिला, उसके पानी में खूब काई जमी पड़ी है, कोई उसके उद्धार की कोई योजना आज तक इतने वर्षों में तो दिखाई मुझे भी नहीं दी है। मेरा तो खैर अब बहुत कम बावड़ी को सीखा था जी जी, और बहुत अच्छी बावड़ी बनी हुई है, बड़ी बड़ी बावड़ियां होती हैं, स्ट्रक्चर जो है वो बहुत, वो तो 7 मंजिल की बावड़ी है वो,
सात बार सीढ़ियां उतरना चढ़ना शायद मुझे जहां तक याद है, और तब जाके उसमें पानी होता है, और इतनी ठंडक उसके अंदर होती है अगर आप उतरते हैं, पानी होता है, तब थोड़ा बहुत पानी रहा करता था, अब मुझे नहीं पता, अब तो मैं बहुत वर्षों से नहीं गई हूँ। गर्मियों में लोग बावड़ी के अंदर रहते, जो जगह बनी होती थी उनमें बिल्कुल, और रहते। तो उसके चारों तरफ उसके बहुत अच्छा सुंदर नक्काशीदार स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके चारों तरफ, तो वो तो एक और भी कुछ नहीं तो मॉन्यूमेंट की तरह भी संजोने लायक चीज है। सभी बावड़ियों को करना चाहिए, रिजेनोवेट करना चाहिए। बहुत है गुजरात में तो बहुत सारी बावड़ियां हैं इस तरह की, लेकिन करीब करीब मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी फंक्शनल होगी। ये यही संगीता, संगीता सेठी जी भी कार्यक्रम देख रही थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने डिडवाना के घर में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखा, कहीं डिडवाना करके जगह है, और एक बार वो तिलोनिया गांव में गई थी जहां वो किसी रिसर्चर से मिली जो जल संरक्षण पे काम कर रहे थे, तो इन्होंने खुद ने भी वाटर हार्वेस्टिंग पर एक शोध आलेख लिखा है जो कि कोटा यूनिवर्सिटी के लिए लिखा उन्होंने राजस्थान में। एक राजेंद्र नाथ मिश्र जी कार्यक्रम देख रहे हैं, उनका कहना है कि जल प्रबंधन, सतह जल प्रबंधन और भूगर्भ प्रबंधन इतना सरल नहीं, केवल सरकारों के द्वारा किए प्रयासों से तब तक कुछ ना होगा जब तक जन जागरूकता ना हो, इसके लिए पानी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है, पर जब सब जागरूक होंगे तभी सार्थक परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल सही बात है उनकी, यहाँ तो वाटर टैक्स लगाते हैं तो आंदोलन हो जाते हैं कि वाटर पे टैक्स नहीं होना चाहिए, टैक्स होगा कम से कम तो उससे कुछ पाबंदी तो लगेगी कि अगर आपने इतना वाटर यूज किया तो आपको पैसा भरना पड़ेगा, मगर वो भी संभव नहीं होता यहाँ पे। कुसुम जोशी जी ये पिथौरागढ़ से हैं, तो ये बता रही है कि कई बार सरकारी परियोजनाओं ने भी भूमिगत पानी के स्रोतों को नुकसान पहुंचाने में, विशेष रूप से पहाड़ों में, वहां बांज के जंगलों की तलहटी में बहुत ही शुद्ध ठंडा पानी का स्रोत निकल के आते थे और गांव में उसे नौले के रूप में इकट्ठा कर दिया जाता था, फिर लोकल प्रशासन ने उसे पक्का कर दिया और सीमेंट ने उस पानी के स्रोत को सुखा दिया। तो पढ़े लिखे लोगों की, अनपढ़ ग्रामीणों को जो उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया, लेकिन वो जो उपेक्षा थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाते, वो बहुत महंगी पड़ी। नौले कम हो गए, आप देखिए हिमाचल और उत्तराखंड में ज्यादातर हम पानी जो है नौलों से आता था और बड़ी अच्छी व्यवस्था थी समाज की कि पहाड़ से पानी नौले में इकट्ठा होता था और फिर नौले से आगे जाता, पर अब वो जो कह रहे हैं ना कि बुद्धिमान आदमी उसको सीमेंटेड, मतलब ज्यादा वैज्ञानिक नहीं बनाया उन्होंने, गैर वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक था उसको अवैज्ञानिक में कन्वर्ट, अवैज्ञानिक कर दिया, ये हमारे वैज्ञानिक कर भी रहे। जी जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वाकई सरकार जल नीति बना सकती है, जल दृष्टि तो समाज को विकसित करना होगी, जल की बचत ही जल की सुरक्षा या स्रोत है। तो सुनील जी, एक शुष्क पर महत्वपूर्ण विषय पर बड़ी सहजता से आपने व्यवहारिक जानकारी दी, ये पिलकेंद्र जी लिख रहे हैं। पिलकेंद्र जी भी अग्रज हैं, जानते होंगे आप, जानकार हैं बहुत अच्छे, लेकिन ये बात व्यंग वाली नहीं है जो उन्होंने कही। जी जी जी, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि जल स्रोत सूख रहे हैं, नदियों का जल स्तर कम हो रहा है, वाटर लेवल डाउन होने से जमीन से जल दोहन भी सीमित हो रहा है, और दूसरी तरफ बिल्डिंग निर्माण में हर जगह पानी का अपव्यय हो रहा है। वो मैंने कहा ना आपको कि वाइस वाटर मैनेजमेंट, विवेकपूर्ण जल का उपयोग, हमको विवेकपूर्ण, क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते कि हम मकान नहीं बनाएंगे, तो आप कितना विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं, कितना मिनिमाइज कर सकते हैं और कितना रीयूज कर सकते हैं। अगर तरी में हम ग्रे वाटर को रीयूज कर दें कुछ सिस्टम बना के, ब्लू वाटर नहीं तो कर सकते हैं। केंद्र जी कह रहे हैं कि उपहार में मिली चीजों का हम सभी मिसयूज करते हैं, घर पर आधा बचा ग्लास पानी तो गिरा देते हैं, और जबकि मिनरल वाटर की बॉटल का हम पूरा पी जाते हैं क्योंकि वो हम खरीद के लेते हैं, इसलिए उसकी कीमत हमें पता होती है। उनका कहना है राजेंद्र जी का कि नदियों की भी आपस में कनेक्टिविटी से कुछ संभव है। ये पूरा एक अलग विषय है नदियों को जोड़ने का, और बड़ा साइंटिफिक विषय है, मतलब इस पर कोई अभी एकदम से ऐसे मत नहीं दिया जा सकता है कि अच्छा है या बुरा है, इसे डिबेटेबल, और ये लंबे समय से डिबेटेबल है। जी,
बाकी ज्यादातर तो हमारे जो दर्शक हैं उनको भ्रष्टाचार के ऊपर भी बहुत गुस्सा है कि कंधे से कंधा मिलाकर केवल एक ही काम किया जा सकता है जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। मेरा कहना है कि हम भ्रष्टाचार के बारे में ना सोचें, अगर हम पानी के बारे में सोच रहे हैं और हम जो कर सकते हैं, देखिए भ्रष्टाचार कब खत्म कर पाएंगे हमें नहीं पता जी, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि 5 लोगों को पानी के बारे में उनकी दृष्टि हम अगर विकसित कर पाए तो ये हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा समाज में। पैरेलली हम लड़ते रहेंगे हमारी ही है ना कि हम नक्शा पास करवाने जाते हैं तो हम बना तो लें, हम बना लें ना जो नियम है उसके हिसाब से हम बना लें तो क्या जरूरत पड़ेगी, कमी तो हमारी तरफ से, हम नहीं बनाना चाहते इसीलिए हम आगे रिश्वत देते हैं, तो रिश्वत देने वाले समाज के ही लोग हैं फिर हम भ्रष्टाचार को कोसें। यदि हम खुद ही कहेंगे कि हमें बनाना है और 5 को बनवाना है तो बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आज की बहुत सार्थक वार्ता रही है और मुझे तो अंदाजा ही था कि बहुत अच्छी बात रहने वाली है ये, क्योंकि बहुत आवश्यक और जरूरी जानकारियां और बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं कि हम अपने पर्सनल लेवल पे भी हम किस तरह से थोड़ा थोड़ा काम अपने घर के लेवल पे भी कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आजकल जहाँ पे फ्लैट सिस्टम है वहां पे वो लोग, उनके हाथ में नहीं होता है कुछ करना क्योंकि वहाँ पूरी बिल्डिंग का ही पानी एक अलग तरीके से जाता है, तो वहाँ हम अपने बिल्डिंग के लोगों को जागरूक करके भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन जिनके अलग अलग घर हैं जो जो एक दूसरे से इस तरह के सिस्टम से जुड़े हुए नहीं है तो वो लोग अपने स्तर से भी पानी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं तो मैं गाँव में भी रही हूँ तो वहां पे हमने एक नाली बना रखी थी और जो घर का हमारा यूज किया हुआ पूरा पानी होता था वो हमारा बाहर जो बगीचा बना हुआ था उसमें वो क्यारियों में सारा पानी जाता था, तो हमें अलग से क्यारियों के लिए हैंडपंप चलाना या पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो उसी पानी से सारा काम हो जाता था। तो ये काम हम लोग अपने स्तर से भी कर सकते हैं जितना कर पाए, 1% 2% एक एक व्यक्ति ऐसा सोचेगा तो समाज का बहुत भला होगा और काफी कुछ हम लोग इसमें अपना एक जो इस कहते हैं ना हवन में जो संविधा देनी है तो वो हम संविधा या हम कह सकते हैं कि दे सकते हैं अपनी तरफ से, तो वो हमें अपना काम एटलीस्ट पूरा करना चाहिए। बाकी क्या हो रहा है, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसके ऊपर आधारित नहीं रहना चाहिए कि फिर हमें उनको लाने देने पड़े कि सरकार ने ये नहीं किया सरकार ने वो नहीं किया, तो हम सबका व्यक्तिगत रूप से भी कर्तव्य बनता है। इस बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वतंत्र जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे उपस्थित सभी दर्शकों श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि अंत तक वे बने रहे और बहुत इंटरेस्टिंग विषय था क्योंकि मैं देख रही थी सब बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं, कमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, तो उनका भी सबका बहुत उन्हें रुचि रही इस विषय को जानने में समझने में, क्योंकि बहुत सी बातें थी जो हम लोगों को नहीं पता थी और आपने बताई हैं, तो उन सबका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक बार फिर देखते हैं कब आपसे मिलना होता है क्योंकि आपके पास इतने सारे विषय हैं बात करने के लिए जल के ऊपर कि समेटे नहीं जा सकते हैं एक वार्ता में और वो भी 1 घंटे में, तो हम फिर किसी और विषय के साथ फिर आपको याद करते हैं और आपका सानिध्य हमें मिलेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। तो अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आपने सवाल ऐसे पूछे कि वो चीजें बाहर निकल गए ये स्वतंत्र जी को जाता है सारा श्रेय। अरे नहीं, अरे हम तो आप ही जैसे लोगों से पढ़ पढ़ के लिख के मतलब समझ के अनुपम जी से जी, और तो एक्सपर्ट हैं इस चीज में, आपने 35 वर्ष बिताए हैं तो आपको तो बहुत गहन जानकारी है इन चीजों की, छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी और पारंपरिक भी और वर्तमान भी सभी चीजों का आपको पता है। अब हम इजाजत लेते हैं, नमस्कार सभी को, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते।